अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अब हर आम आदमी भी जब कोई जवाब देता है तो वो उसका साइंटिफिक मेथड और एक साइंटिफिक पहलू जो है वो अपने जहन में लाजमी रखता है। साइंस को इतनी तरक्की देने में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट का हाथ है जिनको फादर ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस और साइंस का बादशाह माना जाता है और कहा जाता है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इजाक न्यूटन है, थॉमस एडिसन है और एरिस्टोटल है, जिनके बारे में आज तक हम लोग अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं, उनके लॉज भी फॉलो करते हैं, उनकी इक्वेशंस भी फॉलो करते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ना सिर्फ साइंस में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है और उन्होंने जो है वो दुनिया में नाम कमाने के साथ साथ ऐसे कारनामे भी अंजाम दिए हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ उनका ताल्लुक पाकिस्तान से और मुस्लिम कम्युनिटी से है, उनका ताल्लुक जो है वो दुनिया के तमाम तर उन साइंटिस्ट में भी शुमार किया जाता है जिन्होंने बाकायदा तौर पर साइंस में बहुत सी खिदमात अंजाम दी हैं। तो आइए जानते हैं टॉप 10 ऐसे साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। तो नंबर 10 पे आती हैं डॉक्टर तस्नीम हुसैन ज़ाहरा। डॉक्टर तस्नीम हुसैन ज़ाहरा साहिबा वो पाकिस्तान की पहली ऐसी फिजिस्ट हैं जिन्होंने डॉक्टरेट लेवल पे फिज़िक्स में जो है वो पीएचडी की है। उसके साथ साथ उनकी स्पेशलाइजेशन ये थी कि वो पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून थी जिन्होंने स्ट्रिंग थ्योरिस्ट के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं, मगर ये पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून थी, फीमेल स्टूडेंट थी, जिन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर जो है वो पीएचडी की है और प्रॉपर रिसर्च की है। इनको इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हासिल है। फिजिक्स के ये टफ तरीन डोमेन में से एक है और डॉक्टर तस्नीम ज़ाहरा को इस नाम से ही पहचाना जाता है कि ये पाकिस्तान की पहली स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं और ये आज कल की यंग जनरेशन को और यंग गर्ल्स को स्पेशली इंगेज करती हैं कि वो फिज़िक्स की फील्ड को अडॉप्ट करें और फिज़िक्स की स्ट्रिंग थ्योरी की फील्ड को भी जो है वो अडॉप्ट करें। नंबर 9 पे आते हैं मोहम्मद शहीर नियाज़ी। मोहम्मद शहीर नियाज़ी पाकिस्तान के यंगेस्ट साइंटिस्ट में से एक हैं जिन्होंने महज सिर्फ 16 साल की एज में एक ऐसी रिसर्च पेश की थी जिससे दुनिया में उनका नाम बन चुका है। आज उन्होंने बाकायदा तौर पे आइंस की मूवमेंट के बारे में रिसर्च की थी और एक ऐसी फोटोग्राफ पेश की थी जिसमें बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा था कि आइंस जो हैं वो मूव करते हैं और वो हनीकॉम्ब शेप में जो है एक मूवमेंट इख्तियार करते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नज़र आते हैं। मोहम्मद शहीर नियाज़ी वो पहले ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रशिया में होने वाले यंग साइंटिस्ट फिजिस्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और उनकी इस रिसर्च ने बाकायदा तौर पे तहलका मचाया था। उनको पाकिस्तान में भी एक नामवर पोजीशन मिली, आज लोग उनको जानते भी हैं और उनकी इस रिसर्च का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम लोग रोज विंडो इंस्टेबिलिटी कहते हैं। नंबर 8 पे आते हैं उमैर मसूद। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक पे अपनी रिसर्च और ग्रिप रखने वाले ये पाकिस्तान के पहले ऐसे यंग साइंटिस्ट में से एक कंसीडर किए जाते हैं जिन्होंने 2021 में होने वाले इवेंट में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जो है वो अपने नाम किया था। इस इवेंट में तकरीबन 122 ममालकों के स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी जिसमें से नंबर 1 पे जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट उमैर मसूद जो है वो यंग साइंटिस्ट अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। ये बेशक पाकिस्तान के लिए भी एक बड़े एजाज की बात थी और साइंस की दुनिया में भी ये एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है। नंबर 7 पे आते हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद। डॉक्टर अब्दुल मजीद जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के मशहूर साइंटिस्ट हैं बल्कि ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं जिनको स्पेस के ऊपर बढ़तरी हासिल है। डॉक्टर अब्दुल मजीद एक्स फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के। उसके साथ साथ इनके टेन्योर में जो है वो दो ऐसी सैटेलाइट्स बनी थी जो कि ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स कहलाती हैं और इस मास्टरमाइंड प्लान के पीछे डॉक्टर साहब का बहुत सिग्निफिकेंट हाथ था। इसके साथ साथ इन्होंने स्पेस और खलास से मुतालिक बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के आइडियाज़ दिए हैं जो कि आज तक तमाम तर स्पेस से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के काम भी आ रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी रिसर्च भी की है जिसकी वजह से ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है बल्कि आउटर कंट्रीज़ में भी स्पेस से मुतालिक बहुत सारी रिसर्च में अपना नाम जो है अपना लोहा जो है वो मनवा चुके हैं।
नंबर सिक्स पे आते हैं अहमद हसन दानी। अहमद हसन दानी पाकिस्तान के वो ऐसे साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं जिनको ना सिर्फ साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है बल्कि उनको पाकिस्तान का मशहूर तरीन हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट भी माना जाता है। अहमद हसन दानी साहब की फॉलोशिप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है और उनकी अथॉरिटी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है बल्कि उनको साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया पे भी अबूर हासिल है और वहाँ की जितनी भी रिसर्च होती है आर्कियोलॉजी पे उनके पास उनकी भी अथॉरिटी है। अहमद हसन दानी साहब पाकिस्तान के वो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट को बहुत अहमियत दी है और उन्होंने पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के अंदर जो है आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो लाजम करवाया है। उन्होंने कहा है कि आर्कियोलॉजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही उसमें रिसर्च और ग्रिप होनी चाहिए स्टूडेंट्स की जितने की बाकी साइंस में होती है, इसीलिए उनको आर्कियोलॉजी का साइंटिस्ट माना जाता है। और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की हायर कमीशन में और हायर एजुकेशन में जो है इस सब्जेक्ट को लाजिम करवाया है, उन्होंने बांग्लादेश में भी आर्कियोलॉजी का और हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। नंबर फाइव पे आते हैं इबन मार्कर केब्राजी। इबन मार्कर केब्राजी पाकिस्तान की फेमस साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं जिनका ताल्लुक पारसी रीजन से है। उसके साथ साथ इबन मार्कर केब्राजी अभी करंट हेड हैं और डायरेक्टर हैं एशिया रीजनल ऑफिस फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर की। उसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जो है वो तमगा इम्तियाज अपने नाम किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पाकिस्तान की लीडिंग साइंटिस्ट होने के साथ साथ इनकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो इन्वायरमेंटल चेंज पे है, नेचर एक्सचेंज पे है और क्लाइमेट में होने वाली जितनी भी मसाइल है इन्होंने उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप और रिसर्च रखी है। और ये पाकिस्तान की चंद मशहूर फीमेल साइंटिस्ट में से एक हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल वर्ल्ड में और साइंस की दुनिया में जो है वो बहुत नाम कमाया है। नंबर फोर पे आते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला सदीक। 1940 में पैदा होने वाले ये पाकिस्तान के मशहूर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट में से एक माने जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला सदीक को मैथमेटिक्स और सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स पे रिसर्च में अबूर हासिल है। इन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए हैं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान का एक प्रेस्टीजियस अवार्ड सितारे इम्तियाज जो है वो अपने नाम किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ICTP से भी बहुत सारे प्राइजेस जो है वो हासिल किए हैं और अपने नाम किए हैं, विच इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। नंबर थ्री पे आते हैं मोहम्मद रियाजुद्दीन सदीकी। रियाजुद्दीन सदीकी पाकिस्तान के वो पहले ऐसे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट और एटॉमिक बॉम्ब डेवलपमेंट की शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पे रिसर्च करना शुरू की थी और आज उन्हीं की रिसर्च को फॉलो करते हुए तमाम तर साइंटिस्ट नए से नए टेक्निक्स जो हैं वो बनाते हैं। उनकी इन्हीं खिदमात की वजह से और इसी माइंडसेट की वजह से उनको पाकिस्तान का आइंस्टाइन कहा जाता है। उसके साथ साथ मोहम्मद रियाजुद्दीन सदीकी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े फिजिक्स के ग्रुप विच इज सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। नंबर टू पे आता है डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम। अगर हम लोग पाकिस्तान के मशहूर साइंटिस्ट का नाम लें और डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तानी नोबल प्राइज जो है वो अपने नाम किया था। उसके साथ साथ इनकी सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च ये थी कि उन्होंने बताया था कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज और इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं वो आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो लाइफ है वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी क्योंकि उनकी जात की वजह से उनको मुस्लिम कंसीडर नहीं किया जाता था, मगर वो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम मानते थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ही रहते हुए पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करते हुए अपनी तमाम तर रिसर्च की है। और वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान का ही एक मशहूर साइंटिस्ट हूँ। नंबर वन पे कोई और नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तक जानता है क्योंकि उनको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी पहचाना जाता है।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब डिज़ाइन पेश किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। मगर अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, मगर उनके मुताबिक उनकी सबसे बड़ी प्राइड यही थी कि उनको अब टेक्स्ट बुक्स में भी छापा गया है उनके बारे में, और उनके बारे में तमाम तर आने वाली नस्लें भी जानेंगी कि कोई ऐसे साइंटिस्ट भी पाकिस्तान में मौजूद थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी इन्वेंशन का डिज़ाइन जो है वो पेश किया था। तो ये थे लिस्ट टॉप 10 पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स की जिनके बारे में हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, जिन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत नाम कमाया है, और ना सिर्फ साइंस की दुनिया में नाम कमाया है बल्कि पाकिस्तान का नाम जो है वो भी रोशन किया है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इन लोगों से ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं और रिसर्च उनकी हम लोगों के काम आ रही है, बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो हैं इनकी रिसर्च से और इनके जितने भी कारनामे हैं उनसे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।